वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और आज यहाँ भी बारिश लग रही है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो हम घर पे ही हैं, तो हम आपके पास बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, इसलिए हमने एक प्लान किया है कि हम कुछ घर पे कुछ ही बनाएंगे। तो हम आपको बता दें कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये बात कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलती रहे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम बनाने वाले हैं गजक, और मेरी सिस्टर ने सोचा है कि हम आज गजक बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये पीनट तैयार कर दिए हैं और इसके बाद हम जो जो करने वाले हैं वो हम आपको बताएँगे, इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और आज हम बताएंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके छिलके उतारेंगे। हम एक एक करके इसके छिलके नहीं उतार सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि हम इसके छिलके कैसे उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं, इसके छिलके उतारने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे भून रहे हैं। इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसका टेक्सचर लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको इसी तरह से भूनना है जैसे मैं आप वीडियो में देख रहे हो, जिस तरह से मैं इसे भून रही हूँ। और इसको कम आंच पे इस तरह से इसे करना है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, लाइट गोल्डन, तब तक आपने इस विधि को इस तरह से ही रिपीट करना है। ऐसा करने पर पीनट का जो बाहरी छिलका है वो गर्म हो जाएगा और बाद में इसको तलने में आसानी होगी। इसीलिए इसे बार बार ऐसा करने से ये गर्म होके थोड़ी क्रंची हो जाएगी, जिससे आसानी से ये मूँगफली अलग अलग हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है, अब हम इसको नीचे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है और जिस पे आपको इसे रखना है। अगर आप हाथों से इसके छिलके उतारोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको एक ईजिली तरीका बताती हूँ जिससे बहुत जल्दी ही इसके छिलके उतर जाएंगे। आपने कपड़े को एक साथ पूरा समेट लेना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको आपने हाथों से मसलना है क्योंकि इसके जितने भी पीनट के छिलके हैं सारे आसानी से उतर जाएंगे और एक एक को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस, आप देख रहे हो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसको मसलना है और ये फिर इसके छिलके सारे उतर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि सारे पीनट के जितने भी छिलके हैं वो ऑल ओवर सारे उतर चुके हैं। तो इसके लिए अब हमें सबसे पहले एक छननी लेनी पड़ेगी जिसकी सहायता से हम इसको छानेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आपने इसमें डालना है और इसको छानना है। ये मेरे पास बड़ी है, छोटी अवेलेबल नहीं है, तो चाहो तो आप छोटी कैरी कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो गाइस, हमने ये पीनट को साफ़ करके एक बाउल में ले लिया है, तो इतनी सी कटोरी हमारी पीनट की है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये साफ़ हो चुके हैं। तो गाइस, हमने ये 2 कटोरी ले ली है, एक पीनट की है और एक कटोरी हमने गुड़ की ले ली है। हमने इन दोनों को बराबर मात्रा में ही डाला है क्योंकि इन दोनों का बराबर होना ज़रूरी है, जितना गुड़ है उतनी पीनट होनी चाहिए। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि गुड़ को जब भी आप काटो ज़्यादा मोटा नहीं काटना चाहिए, और हमने इसको क्रश कर दिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो अब हम गैस को ऑन कर देंगे और फ्राई में गुड़ डाल देंगे।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से फ्राई में गुड़ डालेंगे और इसको धीमी आंच में पकाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ एक चम्मच पानी, और एक चम्मच पानी इसमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फिर आसानी से पक सकेगा। और आप देख सकते हो कि इसको धीमी आंच में इसी तरह हमने 5-10-15 मिनट तक पकाना है। तो ये विधि हमने बार बार रिपीट करनी है, और जब तक गुड़ पक ना जाए तब तक हमें इसको हिलाते ही रहना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, घी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे यह है नॉन स्टिकी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, घी का भी इसमें काम है, और इस तरह से इसको पकाते रहिए। और इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में ठंडा पानी लीजिए और कुछ बूंदे इसकी गुड़ की इसमें डालिए। और आप देख सकते हो, अगर ये क्रंची होता है तो गुड़ पक चुका है। तो यहाँ हमने टेस्ट किया है, ये क्रंची क्रंची हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तो ये गुड़ पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पीनट। तो फ्रेंड्स, अब ये बन चुका है और हमने इसमें डाल दिए हैं पीनट। तो इस तरह से इसको मिलाना है। आप देख सकते हो, इस तरह से पूरे गुड़ में पीनट मिलनी चाहिए और इसका बढ़िया से मिक्सचर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे मेल्ट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से। तो आप देख सकते हो। तो गाइज़, आप इसके लिए एक फॉइल पेपर भी ले सकते हो जिसके ऊपर ये रखना होता है। तो मेरे पास यहाँ पे फॉइल पेपर नहीं था, तो मैंने इसे प्लेट में ही रख दिया था। और इससे पहले इसमें तेल या घी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फिर प्लेट में ही चिपक जाएगा। तो मैंने घी भी यहाँ लगा दिया था। आप देख सकते हो, इस तरह से इसे आपने प्लेट में लेना है और इस तरह से इसे बेलन से प्रेस कर देना है। तो गाइज, ये गजक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक चाकू लेंगे और उसे कट पीस बनाएंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे आसानी से तोड़ सके। तो आप देख सकते हो, इस तरह से इसे करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गजक तैयार है। थोड़ी सी कोशिश की थी मैंने इसको बनाने की। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है, एकदम क्रंची, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो। वैसा ही गजक बना है जैसे हम बाजार में लेते हैं, और शायद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बन चुका है गजक। छोटी सी कोशिश थी मेरी इसको बनाने की, मैं और मेरी सिस्टर ने इसको बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे घर पे ट्राई करें। फ्रेंड्स, आज का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, अगर हमारे एरिया में स्नोफॉल होता है तो मैं आपको उसकी वीडियो भी पक्का दिखाऊंगी। और मेरी आशा रहेगी कि मैं आपको एक पहाड़ी ब्लॉग भी दिखाऊंगी जिसमें मैं अपनी पूरी पहाड़ी भाषा में ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।